हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आ गया हूँ आप लोगों की और एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज़ के बारे में। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को 25,000 के बजट में एक बेहतरीन स्मार्टफोन लेना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, सभी वीडियोज की तरह हमने अपने इस वीडियो के लिए भी कुछ बेसिक क्राइटेरियाज रखे हैं, जैसे कि इन स्मार्टफोन्स पे कम से कम 6GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए, 4000 mAh की बैटरी, USB टाइप सी पोर्ट और कम से कम 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए, और कैमरा पे 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलना चाहिए। और दोस्तों, 25,000 के बजट के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर और कम से कम एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना लिस्ट बनाया है। सो चलिए जान लेते हैं हमारे अंडर 25,000 के टॉप 5 के लिस्ट में कौन कौन से स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दे और पास में दिए हुए बेल आइकन पे प्रेस कर दे और ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दे। इससे आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे। सो दोस्तों, पहले जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप लोगों को मैसिव बैटरी और एक प्रीमियम डिस्प्ले के साथ नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं। यह है सैमसंग गैलेक्सी M51, जो आपको सेलेस्टियल ब्लैक और इलेक्ट्रिक ब्लू इन दोनों कलर वेरिएंट के साथ दो प्राइस वेरिएंट पे देखने को मिलता है। इसमें आपको 512GB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज, 7000 mAh का ह्यूज बैटरी बैकअप विद 25W फास्ट चार्जर, टाइप सी पोर्ट और 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। और कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके जरिए आप 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरा पे आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलता है, एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और सैमसंग वन UI भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का ऑडियो जैक और ट्रिपल कार्ड शॉट भी देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरे जिस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप लोगों को 4K रेजोल्यूशन पर सेल्फी वीडियो लेना है और लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो इस स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं। यह है वीवो V20, जो आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 25,000 रुपीस पे मिडनाइट जैज, मूनलाइट सोनाटा और सनसेट मेलोडी इन तीनों कलर वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन पे आप 1TB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी बैकअप, 33W का फास्ट चार्जर, टाइप सी पोर्ट और 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। और कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके जरिए आप 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर देखने को मिलता है। और दोस्तों, फ्रंट कैमरा पे आपको 44 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसके जरिए आप 4K रेजोल्यूशन तक सेल्फी वीडियो बना सकते हैं। और अगर दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है और एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्रंट टच OS देखने को मिलता है, और ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का ऑडियो जैक और ट्रिपल कार्ड शॉट भी देखने को मिलता है। इसके बाद जिन दो स्मार्टफोन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन चाहिए, यानी कि आप पबजी, COD इस तरह के हेवी गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो अनडाउटेडली इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आप ले सकते हैं। पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है Realme X3, जो आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 23,000 रुपीस पे आर्टिक व्हाइट और ग्लेशियर ब्लू इन दोनों कलर वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन पे आप लोगों को कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको 4200 mAh की बैटरी, 30W का सुपर फास्ट डार्ट चार्जर, USB टाइप सी पोर्ट और 6.6 इंच का IPS पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और दोस्तों, कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके जरिए आप 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। और दोस्तों, फ्रंट कैमरा पे आपको यहाँ पे 16+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। और दोस्तों, सबसे मेन चीज जो यहाँ पे है वो है प्रोसेसर। यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है विद एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और रियलमी UI भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा जो गेमिंग स्मार्टफोन है, अगर आप लोगों को अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अच्छा सेल्फी कैमरा भी चाहिए तो इस स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं। यह है Realme X3 सुपर जूम।
जो आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 24,000 रुपीज़ में देखने को मिलता है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का बैटरी, डिस्प्ले और प्रोसेसर सभी कुछ रियलमी X3 की तरह है। आपको सिर्फ इस स्मार्टफोन के क्वाड कैमरा सेटअप पे 12 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरा की जगह पे 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक कैमरा देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरा पे 16+8 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा की जगह आपको यहाँ पे 32+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। अब दोस्तों आखिर में जो स्मार्टफोन है वो है ओप्पो रेनो 3 प्रो, जो आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 25,000 रुपीज़ पे ऑरोरा ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और स्काई व्हाइट इन तीनों कलर वेरिएंट के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको 256GB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज, 4025mAh की बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर, USB टाइप सी पोर्ट और 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और बैक कैमरा पे आपको यहाँ पे 64MP के प्राइमरी कैमरा के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके जरिए आप 4K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 13MP का टेलीफोटो कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का एक कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरा पे आपको यहाँ पे 44+2 का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक हेलियो P95 का प्रोसेसर मिलता है विद एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और यहाँ पे आपको कलर ओएस भी देखने को मिलता है और ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का ऑडियो जैक और ट्रिपल कार्ड शॉट भी देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये थे हमारे अंडर 25,000 के बजट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स, और इन सभी स्मार्टफोन्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसा लगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।